क्या बता, जो हम जिन्हें सारों को सही कह रहे हैं वो खराब ही हो सारे। कोई दोस्त भाई हमें बता भी दे साथ साथ के ये सही है, कौन सा सही है कौन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर अनदर व्लॉग। दोस्तों क्या हाल है आपका? ठीक होंगे, खैरियत से होंगे? हम भी ठीक हैं, खैरियत से हैं। छत पे आए हैं रात को, क्यों आए हैं, क्या वजह है जो हम छत पे आए हैं? हमने आज करनी है कैंडलिंग, मुर्गी के अंडों की भी कैंडलिंग करेंगे, जो इनक्यूबेटर इनक्यूबेटर में अंडे पड़े हुए हैं उनकी भी कैंडलिंग करेंगे, और साथ ही साथ रात के टाइम हमारे परिंदे क्या कर रहे हैं वो भी देखेंगे। आप साथ ही रहें, पूरा व्लॉग देखें। दोस्तों अवेरी में तो कल भी जाहिर बात है मैंने आपको अवेरी दिखाई नहीं, मैंने खुद भी नहीं देखी, खाना बस डाल दिया था यान ने इन्हें। और आप देखें हो क्या रहा है, बेंगलाई उसमें बैठी होती है यान, पिंक वाले में अंडा दे दिया होगा बेंगलाई ने। से वो देख नेस्टिंग, वो ऊपर उससे उतार के वो नीचे घुसा के बना लिया है, वो येलो वाली बास्केट में थी सारी नेस्टिंग, वो नीचे घुसा के ये खिलती क्या रहती है, देख कितने क्लियर करके उठाते हैं यार, बहुत ही जबरदस्त किस्म की। ये पेड़ ने पापा बनाया, इस वाले ने, व्हाइट वाले ने नहीं, ये जो ब्राउन पेड़ जो हमारे, वो ब्राउन अंदर बैठी हुई है फीमेल, ये यहाँ इस फीमेल के साथ भी लगा हुआ है, वो फीमेल अंदर बैठी हुई है। अच्छा जी इधर तो और कॉकटेल नहीं नजर आई यार, यार मुझे सही तो है ना, आपने देखे थे लेकिन निकले हुए बाहर। नहीं मैंने यार अगर कुछ हुआ 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 फिर देखना चाहिए ना यार। और दोस्तों ये येलो वाला मैं लाल आके लगाता हूँ, सिर्फ ये वाला जो है ना ये मैं हीट बल्ब लाया था दूसरा, ये सही, बाकी इसका भी खराब हो गया, उसका भी खराब हो गया, उसका 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 सब के खराब हो गए हैं, ये बहुत ही टेंशन है। और ये बड़ा मुर्गा हमारा देखें क्या कर रहा है अंदर, ये देखें जरा, ये बड़ा मुर्गा इधर हमने बंद किया हुआ है, और इससे ऊपर वाले में ये दोनों। ओ भाई नहीं सुबह नहीं हुई, पीछे जो पीछे जो, ये सुबह समझ के आ रहे हैं, ये दोनों ऊपर वाले में, नीचे वाले में बड़ा मुर्गा है। और दिखाएं, ओ काटे गए यार, इनको खाना दिया था ना शाम को आपने, इस जगह पे गोल्डन वाले हैं हमारे छोटे, जो गो क्या बोलते हैं यार, गोल्डन स्प्राइट, लेकिन वो ये ऊपर चढ़ के बैठे होते हैं, क्योंकि यहाँ से फिलहाल मैंने फट्टे हटाए हुए हैं दो, तो ये इधर चढ़ के बैठे होते हैं। अच्छा यार मैं सोच रहा हूँ कि इनको वापस करा दे बस, ठीक है बच्चे, अगर अगर इनके वाले अंडे फर्टाइल हुए ना तो फिर हमने बस इन तीनों को वापस करा दूंगा, कोई और से लेके आता हूँ, बेंटम लेके आएंगे, बेंटम लेके आएंगे, कोई और फिट से लेके आते हैं। दोस्तों गोल्डियन भी हमारे इधर ही बैठे हैं, फीमेल मटकी में बैठी है, मेल इधर बैठा है, और इनका भी बल्ब फ्यूज हो गया है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसके तो सही है ना दोनों बल्ब। चलो आओ पहले मुर्गी के नीचे वाले करें या पहले ये करें, पहले मुर्गी वाले, मुर्गी के नीचे वाले आ जाओ। इस मोबाइल की बैटरी भी लो है, मैं इसको कर लूं टॉर्च इसकी ऑन, और इस पे जाके ये बड़ी बड़ी लाइट बंद करो ना, मोबाइल इधर रख देता हूँ, मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च बंद कर दिया, मुर्गी इधर बैठी है, पहले एक अंडा निकालता हूँ, बिस्मिल्लाह। पापा ठीक है, ब्लैक हो गया क्योंकि ओके है ना। हाँ ओके है, कोई दोस्त भाई हमें बता भी दे साथ साथ के ये सही है, कौन सा सही है कौन सा नहीं, हम भी अपनी तरफ से, बाकी तो बेहतर तो अल्लाह ही जानता है, ये एक आइडिया ही होते हैं। ये इसमें ज्यादा बड़ा हो चुका है, बड़े हो गए ना बच्चे। हाँ, हाँ, इसके अंदर इस वजह से रगे नहीं नजर आ रही। हाँ, रगे नहीं नजर आ रही, मतलब हम कैंडलिंग लेट कर रहे हैं जी, लेकिन अभी भी जो खराब होगा वो तो बल्ब की तरह जल जाएगा ना। हाँ, वो अभी भी जल जाएगा लाइट पर, वो बच्चे इसके अंदर पूरा मतलब हो चुका है। ये देखो ये क्या लग रहा है आपको, ये पापा दिखा ना। हाँ ये खराब है, खराब हो रहा है ना ये जी,
चलो लेकिन हम उठाएंगे नहीं ये। अच्छा ये इधर जो चार अंडे हो गए हैं ना इसके ऊपर मुर्गी को बिठा देता हूँ ताकि वहाँ मुझे इजी हो जाए। चल इन चार में बैठ जा। अब ये बाकी के अंडे ये भी बल्ब वो गोल्डन का था। गोल्डियन के हैं गोल्डियन के। ये ठीक है ये बेहतर है ना। हाँ ये ठीक है ये बेहतर है वो भी ठीक है थोड़े थोड़े पापा पड़े रहने देंगे हम। हाँ। क्या पता ये गोल्डियन के लेट ही बनते हो। हाँ, ये इसके लिए तो परफेक्ट है। इसके लिए परफेक्ट है ना ये बस हमसे लेट हो गया। ये भी परफेक्ट है माशाल्लाह जी माशाल्लाह जी क्या बात है। ये भी ठीक है। नहीं ये नहीं ठीक इसके कोई इसके दो गोल्डियन वाले दो खराब और दो सही लग रहे हैं। दोस्तों गोल्डियन वाले दो खराब दो सही लग रहे हैं और बाकी के जो है ना इसके अपने सारे ही सही लग रहे हैं और बच्चे बने हुए। यार हमें ऐसे कितने दिन हो गए हैं जो ये बच्चे मुझे लग रहा है बन गए हैं बिल्कुल। शायद चार पांच दिन में निकाल दे ये बच्चे। पापा ने वीडियो देखी है देख लेंगे ना। अभी जाके चेक करते हैं यार शायद से पापा 15 दिन हुआ है 15 6 7 ये आ गया 8वां अंडा और ये आ गया 9वां अंडा। ये सही है ये देखो खुद बैठ जाएगी। चलो जी थोड़ी देर कैमरा रखता हूँ लाइट रखता हूँ ताकि इसको रोशनी सही नजर आ जाए अंडों पे बैठ जाए। इस तरफ से कोई अंडा निकल तो नहीं रहा। ओके हो गया जी ओके हो गया। आप इनक्यूबेटर वाले चेक करते हैं। दोस्तों अब इधर का रिजल्ट चेक करते हैं। दुआ करें इधर के लिए भी और वो अंदर भाई बल्ब जल जाओ। हाँ शुक्र है बल्ब ठीक है शुक्र है बल्ब ठीक है। इनक्यूबेटर को लेकिन हमें बंद ही करना पड़ेगा बल्ब ऑफ ही चाहिए क्योंकि हमें अयान आओ ना यार। अच्छा जी अब ये मैंने टॉर्च वाला मोबाइल निकाल लिया यहाँ रखूँगा और फ्लैश बंद करता हूँ। अच्छा जी आप करोगे हाथ गीले तो नहीं है गीले या नहीं करो सही है। ओके पापा इस बाहर रख दो मैं बाजरा दूं। क्यों बाजरे पे रख लेना ये भी ओके। थर्ड भी ओके ये भी ओके। हम लेट हो गए यार कैंडलिंग करने में लेट हो गए। हाँ। सही रगे नहीं पता लग रही लेकिन ये ओके है बच्चे बन चुके हैं। रानी वाले बाबा चेक करो रानी वाले ये है ना जी। ओ ये तो खराब है ये खराब है खराब है। रानी वाला एक और चेक करें ये बन रहा है बाबा नहीं क्या ख्याल है ये लग रहा है बनते बनते रुक गया। हाँ रुक गया क्योंकि एक साइड पे नहीं बना हुआ। हाँ या हो सकता है ऐसे ही निकले। चलो ये थर्ड भी रानी है इसमें भी यही है चक्कर। बाबा उल्टा ये यहाँ से पीछे साइड पे रखो वन साइड हुआ है। वन साइड दोनों ये देखो रानी के ऐसे ही होंगे ना फिर हो सकता है। या क्या बता जो हम जिन्हें सारों को सही कह रहे हैं वो खराब ही हो सारे। ब्लैक वाली के ये खराब है इसका ये ब्लैक वाली का एक खराब आ गया जी। वैसे तो अंदर तो अभी तक ब्लैक वाली का कोई खराब नहीं निकला था ना अभी तक कोई नहीं निकला ये पहले ही है। ये भी परफेक्ट है ठीक है जी ये भी परफेक्ट हो गया। और द लास्ट वन अच्छा जी इस हिसाब से एक चार इधर और चार उधर 8 डाउट में है। तो दोस्तों जो हमने भी चेक किया है 19 अंडों में से 19 अंडे जो हमने रखे थे 8 अंडे डाउट में हैं और बाकी सारे अंडे हमारे जो है ना क्लियर ठीक है क्लियर है। 11 बच्चे कंफर्म इंशाल्लाह 11 बच्चे कंफर्म है। तो और वो सारे ब्लैक वाली मुर्गी के 11 बच्चे कंफर्म और 8 अंडे जिसमें 3 रानी के 4 गोल्डियन के और 1 ब्लैक का। ब्लैक का एक बिल्कुल फारिग है रानी का एक बिल्कुल फारिग है गोल्डियन के 2 बिल्कुल फारिग हैं।
मतलब कि 4 अंडे बिल्कुल फारिग है, 4 अंडे डाउट में है और 11 अंडे क्लियर है। तो आप लोग भी दुआ करें और मैं जाके सबसे पहले जो है ना वीडियो देखता हूँ, बिठाई किस दिन है मुर्गी, और फिर काउंट करते हैं किस दिन अंडे निकलेंगे। नेक्स्ट व्लॉग में आपको अंडे नहीं निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा। अल्लाह हाफिज़ जी।